वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2020 में जो हॉलीवुड की बहुत ही कमाल की फिल्म रान का जी दोस्तों, जिसको रिसेंटली हिंदी डब में आपके सामने प्रोवाइड कर दिया है। और ये फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2020 में रिलीज किया गया था, और उसके बाद मैंने फिल्म को देख लिया। और ये फिल्म मुझे कैसी लगी है, ये फिल्म आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी मेरा ओपिनियन जानने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रान जो कि साल 2020 में जो हॉलीवुड की एक सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे कियारा एलन एंड सारा पॉलसन जैसे और भी काफी सारे कलाकार। उसके बाद दोस्तों बात कर फिल्म को डायरेक्ट कौन किया था, फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीश छागंती ने, जो कि एक इंडियन और अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर है। उसके बाद दोस्तों बात करें इस फिल्म की रेटिंग की, फिल्म को 97% की रॉटन टोमेटोस की रेटिंग मिले, जो कि काफी हटके है। और फिल्म को देखने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे की टाइम देना पड़ेगा, यानी कि छोटा फिल्म है और छोटे फिल्म आपको काफी हटकट के चीज देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों एक वर्ड में ये फिल्म मुझे कैसी लगी है, गजब की, एकदम गजब की है, क्योंकि इसमें जिस लेवल की चीजें दिखाई गई है वो काफी हद तक इंप्रेसिव है और आपको देखने टाइम इंटरटेन जरूर करेगा। जैसे कि फिल्म की कहानी की बात करें तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। फिल्म की कहानी की शुरुआत होते है डायन नाम की एक औरत से, जो कि अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम है क्लॉय, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्लॉय जो है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि वो चल नहीं पाती है, इसलिए वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, और इसीलिए उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ते जब क्लॉय को ये पता चलता है कि उसकी माँ उसको कोई गलत मेडिसिन खिला रहे हैं, तो आगे जाकर क्लॉय ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ उसको क्यों गलत मेडिसिन खिला रहे हैं और इसके पीछे असली वजह क्या है, ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर में जाकर क्लॉय इस चीज के पीछे असली वजह क्या है ढूंढ पाते नहीं, सब आपको फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं। अब फिल्म की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको कई फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको स्टोरी पसंद आए, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको काफी सारी चीज जो कि नया लग सकते हैं। फिल्म की फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म की फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ी बहुत ड्रामा के साथ फिल्म की जो कहानी मेन जगह पर फोकस करती है उस लेवल तक चलती है, यानी कि धीरे धीरे से चलती है। लेकिन फिल्म की सेकंड हाफ में आती है फिल्म की असली कहानी, उसी टाइम आपको ये समझ में आएगा कि भाई असल में उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। और आखिर में जाकर एकदम आखिर में जाकर एक क्लाइमेक्स आता है, उसी क्लाइमेक्स को देखने के बाद आप शायद हंस पड़ेंगे, इतना हंसी भी है लेकिन दुख भी है, जैसे जिसकी सोच उस टाइम जैसे इसके होगा भाई वो देखा जाएगा। लेकिन भाई क्लाइमेक्स काफी हटके है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफी बढ़िया है, साथ ही फिल्म की स्क्रीन प्ले भी, यानी कि जिस लेवल से आपके सामने प्रेजेंट किया है वो काफी हद तक बढ़िया है और आपको बोरिंग फील नहीं करेगा। मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको फिल्म धीरे चलेगा, लेकिन उसी धीरे चलने पर आपको ये समझना होगा कि भाई असल में फिल्म आपको क्या कहना चाहती है, और उसी टाइम आपको समझना भी होगा। अगर आप समझ पाएंगे कि भाई वहां पर क्या चल रहा है तो आप फिल्म को पूरी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें फिल्म की सस्पेंस की, जो कि फिल्म थोड़ी देर चलने के बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि भाई फिल्म में सस्पेंस कुछ है, और वो सस्पेंस क्या है वो जानने के लिए आप बेताबे हो जाएंगे कि भाई सस्पेंस क्या है मुझे बताओ। लेकिन नहीं, वो चीज़ आपको धीरे धीरे पर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि फिल्म को पूरी खत्म करने के बाद ही आपको असली सस्पेंस पता चलेगा कि भाई असल में फिल्म में हो कह रहा था। और इसी चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है। इस फिल्म की एक सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और वो सीन है जब क्लॉय एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करते हैं। अब ट्रैवल कैसे करते हैं, क्योंकि क्लॉय तो चल नहीं पाते, वो व्हील चेयर से चलते हैं और उसकी माँ उसे बंद करके चली गई है। अब क्लॉय कैसे एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करेगा, और इस चीज को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है, क्योंकि क्लॉय जैसे एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करते है भाई साहब वो देखने लायक सीन है, काफी हटके है। अब दोस्तों आते ही फिल्म आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं या फिर ना देख सकते हैं। भाई इस फिल्म की रेटिंग 18+ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई एडल्ट वाली चीज देखने के लिए नहीं मिलती है, सिवाय एक सीन को छोड़कर। लगभग 10 सेकंड की सीन है, वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा कुछ दिखाया गया है जो चीज आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि उस चीज को देखना आपका जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको ये अंदाजा हो जाएगा भाई उसकी माँ यानी कि जो डायन है वो ऐसा क्यों है, यानी कि उसकी बेटी के साथ ऐसा वर्तव क्यों करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप उस 10 सेकंड को संभाल लेना किसी भी तरह से। बाकी की फिल्म में कोई भी एडल्ट चीज देखने के लिए नहीं मिलते, इसलिए फिल्म की रेटिंग 18+ नहीं है। तो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं सिवाय उस 10 सेकंड को छोड़कर, समझ रहे हो? ठीक है, थैंक यू। फिल्म की कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है और आपको इम्प्रेस जरूर करेगा। तो दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देखा है, आपको ये फिल्म कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर फिल्म देखना चाहते हैं तो भाई तुरंत फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, अगले वीडियो में तब तक लगा टाटा।